हमें यहाँ पे भी अरे मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. विकास हैज़ ऑलवेज बिन वेरी 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 स्वीट एंड मुझे मैं स्पेशली विकास की बहुत ज़्यादा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई थिंक शोएब का ये पहला साल है कि वो गोल्ड वॉच से जुड़े हैं लेकिन मेरा थर्ड ईयर है सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड विथ एवरी ईयर वी सी दैट गोल्ड वॉच जस्ट कीप it keeps getting better and I'm sure there's a very long way to go and Vikas we all are always there for you. Yes. We love you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसकी एक्साइटमेंट मेरी नर्वसनेस बढ़ा रही है. हाँ और इनको धमकी भी मिली है अच्छे से करना ना पढ़ाई तो देखना स्टेज के पीछे से भाग जाऊँगा मैं फिर घर नहीं जाऊँगा. सो लेट्स सी क्या करते हैं वो सारे इनका डिपार्टमेंट हाँ हाँ तो तुम्हारा क्या है. आई थिंक द कबूल है मोमेंट या आई थिंक दैट इज ऑल टाइम एज ऑफ नाउ. मैं इनका देखने के लिए एक्साइटेड हूँ इसका भी है. मैं इनका और किसका और एक्चुअली इस बार सारे ही परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑनेस्टली मैंने टेक्निकल देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑल द परफॉर्मेंसेज दैट आई सॉ वर वन बेटर देन द अदर सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इन एंड वॉच द एंटायर शो. देखो शादी हो गई है तो मजबूरन पति का फेवरेट कलर पहनना ही पड़ता है. आज नहीं बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू वेयर कलर नहीं पहनना पड़ता है. आज इस बार बीबी जी ने बोला कि ब्लैक पहनूंगी तो मुझे जबरदस्ती एज यूजुअल मैंने नहीं बोला जबरदस्ती दिख रहा है तुम भी पहनोगे मैंने नहीं बोला. तो आज फिलहाल मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन देखो जो ये नहीं है वो उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूं तो कुछ गलत कर रही हूं. करेक्ट बोला आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू.